बॉलीवुड की पांच ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्मों में काम के लिए अपने जिस्म तक को बेच दिया और डायरेक्टर के साथ खूब रंगरलियां मनाई। तो कौन है ये एक्ट्रेस जो आज भी फिल्म पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है? नंबर पांच, शर्लिन चोपड़ा। बड़े बड़े हुस्न के जलवों से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली शर्लिन चोपड़ा को आपने जरूर अजीबो गरीब हरकतें करते हुए देखा होगा। कभी अपने पल्लू हटा देती हैं तो कभी किसी फैन की पप्पी ले लेती हैं। फैंस भी इनके आसपास घूमते रहते हैं। कई लोग तो केवल इनको देखने के लिए इनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन बता दें, इन्हें बहुत कम काम इंडस्ट्री में मिला है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। लेकिन खूबसूरती और सब कुछ होने के बावजूद डायरेक्टर फिल्म में इन्हें बिल्कुल लेना नहीं चाहता। 2002 में शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म में डेब्यू किया था और उसके बाद 2024 तक उनके खाते में मुश्किल से 10 या 12 फिल्में रही हैं जो कि हिट भी नहीं हुई। सारी फिल्मों में इन्हें जो रोल मिला वो कुछ खास नहीं रहा और इनके हुस्न को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने इन्हें अपनी फिल्मों में रखा। नंबर चार, राखी सावंत। राखी सावंत को आखिर कौन भूल सकता है। कभी सलमान खान की तारीफ करती है तो कभी किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। राखी सावंत को तो अब कोई गंभीरता से लेता ही नहीं और लोग तो कहते हैं कि राखी सावंत हमेशा किसी के साथ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। लेकिन अब डायरेक्टर भी इन्हें इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। राखी सावंत को अब फिल्मों में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया है, जिसकी वजह इनकी खराब एक्टिंग रही है। फिल्मों में काम करना इनका सपना जरूर रहा है, लेकिन राखी सावंत कभी भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाई और यही वजह है कि इनके कुछ भी करने को तैयार रहने के बाद भी डायरेक्टर फिल्म में नहीं लेना चाहते। नंबर तीन, जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन के गाने आपने बहुत देखे होंगे। हॉट अवतार में नजर आने वाली जैकलीन उन हीरोइनों में शामिल हैं जो अपनी खूबसूरती को लोगों के सामने परोसना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। जैकलीन का नाम कई हीरो और डायरेक्टर के साथ जुड़ चुका है, जबकि एक माफिया के साथ भी इनका नाम सामने आया था। जैकलीन फर्नांडिस की अगर बात करें तो इन्हें भी फिल्में बहुत कम मिलती है और केवल हॉट गानों में ही नजर आती हैं। श्रीलंका की इस हॉट एक्ट्रेस को काम मिलना अब एकदम से बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी तरीके से सोशल मीडिया पर अपना जलवा बिखेरते हुए जैकलीन फर्नांडिस चर्चा में बनी रहती है। नंबर दो, उर्वशी रौतेला। ऋषभ पंत के पीछे हाथ धोकर कभी उर्वशी रौतेला पड़ी थी। खूबसूरती के मामले में अगर देखेंगे तो उर्वशी रौतेला वाकई में बहुत हॉट नजर आती है। सोशल मीडिया पर लगातार उर्वशी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं और अपने फैंस का दिल जीतती रहती है। उर्वशी भी उन हीरोइनों में शामिल हैं जिनको बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा और यही वजह बताई जाती है कि यह किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एकदम तैयार बैठी रहती है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कोई इन्हें काम नहीं देना चाहता। दरअसल इन्हें एक्टिंग नहीं आती और एक्टिंग को छोड़कर सब कुछ आता है। अब जरा सोचिए कि क्यों कोई केवल खूबसूरती को देखकर ही काम दे देगा। नंबर एक, अनन्या पांडे। कुछ दिनों पहले इनका नाम रियान पराग से जुड़ा था। आपने देखा होगा कि रियान पराग ने अपने यूट्यूब पर अनन्या पांडे की हॉट तस्वीरें और हॉट वीडियो सर्च किए थे, जिसके बाद अनन्या की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। हार्दिक पांड्या के साथ अंबानी परिवार की डांस पार्टी में अनन्या पांडे डांस करती नजर आई थी और मस्ती करती दिखाई पड़ी थी। अनन्या पांडे की अगर बात करें तो इन्हें भी कोई डायरेक्टर काम नहीं देना चाहता है। हालांकि ये कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन इसके बावजूद इनके लिए फिल्मों में जगह बना पाना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है। यही वजह है कि ये चाहती हैं कि किसी क्रिकेटर के साथ शादी करके अपनी जिंदगी मस्त बिताएं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अनन्या पांडे और हार्दिक पांड्या शादी करने वाले हैं। दोस्तों, क्या ऐसा करना हार्दिक के लिए ठीक रहेगा? आपको क्या लगता है, दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी? कमेंट में बताएं।